11 महीने बाद स्कूलों में लौटी रौनक। 6 से 8 तक के खोले गए स्कूल। कोविड-19 से बचाव के लिए लागू किए गए लॉकडाउन की वजह से अब 11 महीने बाद स्कूल पूरी तरह से खुल रहे हैं। मुरादाबाद में भी आज उत्तर प्रदेश सरकार के आदेश के बाद कक्षा 6 से कक्षा 8 तक के बच्चों के लिए स्कूल खुल गए हैं। आज बच्चे 11 महीने बाद पूरी तैयारी के साथ स्कूल पहुंचे। सबसे पहले स्कूल के गेट पर उनकी थर्मल स्कैनर से जांच की गई। उसके बाद उन्हें सैनिटाइजर लगवाने के बाद क्लास में सोशल डिस्टेंसिंग के साथ बैठाया गया। 11 महीने से बंद स्कूलों में अब बच्चों के पहुंचने से रौनक आ गई है। बच्चे भी खुश हैं और अब वे पूरी एहतियात के साथ मन लगाकर पढ़ाई करने की बात कह रहे हैं। कोरोना वायरस के कारण 11 महीने से बंद स्कूलों में आज सरकार के आदेश के बाद कोविड-19 नियमों के साथ पढ़ाई शुरू हो गई है। आज सुबह से ही मुरादाबाद के अलग अलग स्कूलों में बच्चों का पहुंचना शुरू हो गया है। सभी स्कूलों के गेट पर बच्चों को पहले कतार में खड़ा कराया गया, फिर स्कूल स्टाफ ने थर्मल स्कैनर से बच्चों का बॉडी टेम्परेचर नापा। उसके बाद उन्हें सैनिटाइजर लगवाने के बाद क्लास में सोशल डिस्टेंसिंग के साथ मास्क लगाकर बैठाया गया। बच्चे भी 11 महीने बाद स्कूल पहुंचने पर काफ़ी खुश नजर आए। अब 1 मार्च से कक्षा 1 से कक्षा 5 तक के बच्चे भी स्कूल जाने लगेंगे। इस बाबत जब चित्रगुप्त इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य से बात की गई तो उन्होंने बताते हुए कहा कि स्कूल में कोविड-19 की गाइडलाइन को देखते हुए पूरे पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। मैं प्रधानाचार्य चित्रगुप्त इंटर कॉलेज सिविल लाइन मुरादाबाद, जैसा कि आपने प्रश्न किया कि आज प्रथम दिवस था कक्षा 6 7 8 के लिए, बच्चों में बड़ा उत्साह है और हमने भी पूर्व तैयारी कर रखी थी। जैसा कि शासन का आदेश हुआ, समाचार पत्रों के माध्यम से ज्ञात हुआ, तो हमने भी अपनी पूर्ण तैयारी की हुई थी। सैनिटाइज किया हुआ था बच्चों के लिए, सीटें सही साफ़ सफाई कराई गई थी और बच्चे भी बड़े हर्षोल्लास के साथ अपने अभिभावकों के साथ सुबह विद्यालय में 9 बजे से ही आने प्रारंभ हो गए थे, जबकि विद्यालय का समय 9:50 का हमने दिया है। बड़े प्रसन्न हैं और बड़ा मन लगा करके अपने अध्यापक गण से पढ़ रहे हैं। साथ ही हमने बच्चों को ये भी समझाया प्रत्येक कक्ष में जा कर के किस प्रकार से हमें अपना कोरोना से बचाव रखना, उसे भूलना नहीं है। कोविड-19 अभी समाप्त नहीं हुआ है, वो छुप सकता है, धोखा दे सकता है, लेकिन हमें सावधान रहना है। हमें मास्क जरूर लगाना है, बच्चों को हमने निर्देशित किया है, हम भी लगाते हैं, और एक सैनिटाइज हमने कॉलेज की तरफ से व्यवस्था कर रखी है, साबुन की व्यवस्था कर रखी है, लेकिन फिर भी बच्चों को कहा गया है कि आप छोटी सैनिटाइज़र की बोतल अपने बस्ते में रखें, छोटी सी सी, और समय समय पर अपने हाथ सैनिटाइज करते रहें और दूसरे बच्चों की वस्तुओं को छूने का प्रयास ना करें। अपनी सीट पर बैठें और यदि बाहर जाते हैं पानी के लिए या और अन्य किसी कार्य के लिए, तो तुरंत साबुन से हाथ धोएं और सैनिटाइज करें। उसके लिए हमने जगह जगह पर कॉलेज में व्यवस्था की है, कक्षा अध्यापकों को भी निर्देश दिया है, विषय अध्यापकों को भी निर्देश दिया, और मैं स्वयं भी निरीक्षण में सारा दिन घूम रहा हूँ। कोई भी बच्चा इधर उधर घूमता हुआ नहीं दिखाई दिया, और यदि कोई जा रहा है तो उसको पूछा जा रहा कारण, तो उसके हाथ सैनिटाइज कराए जा रहे हैं, और इस चीज़ का विशेष ध्यान रखा जाएगा समाज के हित के लिए, बच्चों के हित के लिए और अपनी जान की सुरक्षा के लिए भी कोविड-19 का ध्यान रखने का हम पूरा प्रयास करेंगे। अजय, कौन सी क्लास में आप? 6 से। आज ही आए? हाँ। अच्छा, लंबी छुट्टियां हुई थी तो कैसा फील कर रहे थे? सही नहीं लग रहा था। पर सही नहीं लग रहा था? नहीं। अब अच्छा लग रहा है? हाँ। जब स्कूल में आए थे तो क्या हुआ सबसे पहले? सैनिटाइजर हुआ था और बुखार चेक हुआ था। ठीक था आपने? हाँ। क्लास में आए? अच्छी पढ़ाई चल। हाँ। अच्छा लग रहा है? हाँ। कंटिन्यू आएंगे? हाँ। बेटा क्या नाम है आपका? बिट्टू। कौन सी क्लास में है? 6। कितने टाइम के बाद स्कूल आए? सर बहुत टाइम के बाद आए हैं। किस तरह का महसूस कर रहे हैं आपको टाइम के बाद स्कूल आए? बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं। पढ़ाई ठीक चल रही है? हाँ।